ये स्कूल का कॉम्प्लेक्स यहीं से शुरू हो जाता है? ये गेट से शुरू हो जाता है। हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है? नमस्कार मैडम, कैसी हैं? आइए थोड़ा स्कूल घूम लेते हैं एक बारी। तो आपका स्कूल वहाँ से बाउंड्री से वहाँ से शुरू होता है? हाँ जी मैडम, वो तो मेन तो हम इसमें चला रहे हैं कोटा। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, पर स्कूल शुरू कहाँ से होता है? अच्छा, आइए एक बारी। वो बच्ची क्यों जा रही है घर? तबीयत खराब। हाँ जी, क्या हुआ उसको? आपको पता नहीं है अगर कोई बच्चा घर जा रहा है? मैंने टीचर से पूछ के गेट बंद करवाई है। ये किसकी गाड़ी है? गार्ड कहाँ पे? गार्ड मैडम, गार्ड कहाँ है आपका? टेंडर नहीं आया आज। ये क्या है मैडम? मैडम ये कूड़े की गाड़ी को मैं बोलती हूँ तो जिस दिन फ़ोन करती हूँ उस दिन आते हैं। मैंने सर को भी बताया था तो सर उस दिन भी जब डीसी सर आया तब आए थे, फिर परसों तरसों आई थी गाड़ी। नहीं पर ये बच्चे थोड़ा सा उठा के ले जाता है। नहीं पर ये क्या है, आपने बताइए क्या किया है इसके बारे में? कूड़ा मैडम, मैं इसके लिए जो इनका वो है सुपरिटेंडेंट वगैरह उनसे मैं बात करती हूँ तो उन लोगों को। यहाँ पे हमेशा कूड़ा ही पड़ा रहता है। एमसीडी की जिम्मेदारी साफ सफाई मैडम, और फिर ये हाल है आपके स्कूल के अंदर। आपका गेट खुला हुआ है, बच्चे अंदर बाहर हो रहे हैं, बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ पता नहीं है, क्लास से अंदर बाहर घूम रहे हैं। मैडम टॉयलेट के देखिए बाहर ही आते हैं बच्चे यहाँ पर। ये बिल्डिंग क्या है, तो ये यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैडम ये यूज नहीं हो रहे हैं। बच्चे कहाँ टॉयलेट जाते हैं? टॉयलेट ये जो गर्ल्स का है। ये बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बनी हुई है? मैडम ये जो एरिया है पंचायत ने इसको जब नहीं, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, ये बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बनी हुई है यहाँ से? यहाँ मैडम कोई भी एरिया इंक्रोच है, कोई भी कूद के स्कूल के अंदर आ सकता है, तो कौन जिम्मेदार होगा बच्चों की सेफ्टी के लिए? इनका जो लड़का है बिल्डिंग वाले ने उसको चौकीदार रख रखा है मैडम, लड़के को जो बिल्डिंग का वो है। आप जिम्मेदार हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए मैडम। आप कितने दिन से प्रिंसिपल हैं यहाँ पे? मैडम मई में आई थी मैं यहाँ पर, तो एक साल हो गया आपको। हाँ जी, एक साल में आपको ये नहीं लगा कि बच्चे अनसेफ हैं इसकी वजह से? मैडम मैं इसको बंद भी तो नहीं कर सकती। नहीं आप बंद ना करिए, आप कुछ बार्ब्ड वायर लगाइए किसी तरीके से, तो आप बच्चों को सेफ्टी देंगी। आपने कभी एजुकेशन डायरेक्टर को, डीसी को, एमसीडी कमिश्नर को कभी ये बताया है कि बच्चे अनसेफ हैं हमारे? हाँ जी मैडम, यहाँ पे तो कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई फ्लश नहीं है, कैसे बच्चे यूज़ करेंगे टॉयलेट बताइए? फ्लश नहीं, कहाँ पे है इस पर तो नलका भी नहीं है। अरे भाई यहाँ पे नलका ही नहीं है, बच्चे कैसे यूज़ करेंगे? ये क्यों बंद है? ये मैडम डैमेज जाएगा वाला, ये इंग्लिश शीट है, मैडम इनसे काम चल जाता है क्योंकि ज़्यादा बच्चों को तो हम आने नहीं देते हैं। क्यों? लिमिट में मैडम, जैसे मतलब बारी बारी ये क्या मतलब है ज़्यादा बच्चों को आप आने नहीं देते हैं? बारी बारी बच्चे आते हैं, जैसे दो दो करके आते हैं इस टाइप से, तो मैडम एकदम आपको कुछ पता नहीं है बच्चे कब आते हैं? ये क्या है बताइए, ये क्या गंदगी है, कालक क्यों है इतनी बताइए? मैडम ये हार्ड वाटर तो जम जाता है, हार्ड वाटर तो ये सफाई करवाना किसका काम है? ये भी हार्ड वाटर ही जमा हुआ है जो कालक है सारी, ये भी हार्ड वाटर है मैडम। आने के बाद तो मैडम बहुत करवाया यहाँ पर बताइए, कुछ कराया है। और ये क्या हाल है, ये देखिए क्या, ये क्या हाल है इस नलके का बताइए? एक टोंटी चेंज कराने में कितना खर्चा लगता है बताइए? कितने की आती है एक टोंटी? 100-150 रुपए की आती है? आपके पास स्कूल में 100-150 रुपए का फंड भी नहीं है कि एक टूटी हुई टोंटी आप ठीक करा दें? मैडम मैं क्या बोलूँ, सारा कुछ मैं ही कर रही हूँ, जितना भी कर रही हूँ वाले कुछ नहीं करते हैं। और ये जो गंदगी है सर ये बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इंचार्ज हैं, इनसे काम करवाना आपकी जिम्मेदारी है, दैट मीन्स आपने कभी किया ही नहीं है। अभी आप ये देखिए, अभी ये ब्रश मारेंगे ये साफ हो जाएगा। मैडम मैं हिजाब भी ला के देती हूँ, सब कुछ तो ना करती। नहीं वो तो आप ला के देती हैं लेकिन फिर इतनी गंदगी क्यों है? मैडम इवनिंग का भी कॉपरेशन मिलना चाहिए मैडम, उनका बिल्कुल भी जो कॉपरेशन दिए जाते हैं। तो आपने क्या किया उस बारे में? अगर आपको अगर इवनिंग कोऑपरेट नहीं कर रहा है, देखिए ये साफ है बिल्कुल, आपका ये जो स्टाफ का टॉयलेट है वो साफ है लेकिन जो बच्चों का टॉयलेट है वो गंदा है। बच्चों के टॉयलेट में हर जगह कालक जमी हुई है, सिंक पे कालक जमी हुई है, टोंटी टूटी हुई है, पर आपका स्टाफ का टॉयलेट साफ है। मैडम मैंने तिजाब उसको वहीं के लिए भी लाके दिया था उस दिन, काफी सारा गंदा था। मैडम स्टाफ का टॉयलेट साफ रखा हुआ है आपने? मैडम ऐसी बात नहीं है। और क्या है बताइए? सब कुछ इवनिंग वालों ने किया हुआ है, प्रॉपर्टी के मालिक भैया ना।
उन्हीं के पास रिकॉर्ड है मैडम इसका। तो आपने कुछ आपको कभी ये लगा नहीं कि आप इवनिंग वालों को कह दें? अगर इवनिंग वाले नहीं कहते भी बोला है कि हम हमारी मीटिंग, आपने कभी डायरेक्टर को बोला, आपने कभी जोनल डायरेक्टर को बोला कि यहाँ पे ये दिक्कत है आप यहाँ? अच्छा, बच्चों को आप ऐसे गंद में आप नहीं आते? नहीं, कैसे नहीं आएंगे? जब बच्चे बाहर आ रहे हैं वो कहीं पे भी आ सकते हैं, ये गेट भी लॉक नहीं है आपका। तो आपको नहीं लगता, आपको आपको नहीं लगता कि जो ये यहाँ पे कबाड़ पड़ा हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैडम, है प्रॉब्लम की बात। तो क्या किया आपने उसके बारे में? बुलाइए उनको, फोन करके बुलाइए। नमस्ते जी। हेलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं, फर्श टूटा हुआ है मैडम, ऐसे पढ़ाएंगे हम बच्चों को? बेंच तो यहाँ हम लगा नहीं सकते हैं, बेंच की डिमांड मांगी थी मैडम यहाँ पे बच्चे। क्यों नहीं मैडम? ये नर्सरी के जी इकट्ठी है टीचर। हाँ जी, मेरे पास नर्सरी का, हमारे नर्सरी लास्ट ईयर ही बनी है। हाँ जी, नर्सरी का टीचर भी नहीं है, मैंने प्राइमरी में से टीचर लगा रखा है। तो आपके यहाँ नर्सरी की क्लास है पर टीचर नहीं है? हाँ जी, अभी लास्ट ईयर स्टार्ट हुई है ना, तो मैडम एमसीडी में काफ़ी जगह पर नहीं है। तो बच्चों को आप जमीन पे बिठा के रखेंगे? मैडम बेंच डेस्क में कैसे फर्नीचर यहाँ पे कैसे लगाऊं? कुछ बच्चे ज्यादा हैं, चोट लग जाएगी उनको, जो टेबल आती है छह वाली टेबल आती है साथ। हाँ जी, चेयर्स लगती हैं, तो इसलिए आप उन्हें जमीन पे बिठा के रखेंगे? मैडम पूरे स्कूल में हमारे बेंच पे इसके बच्चे बैठे हैं। हाँ जी, टाटपट्टी पे बच्चे बैठे हैं हमारे सारे। पूरे स्कूल में बेंच नहीं है? नहीं मैडम, बेंच नहीं है मैडम, पूरे स्कूल में आपके बेंच नहीं है मैडम, कमरे छोटे हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर, कितने स्कूल हैं आपके पास? 24 है मैम। तो अगर 24 स्कूल हैं पर हर स्कूल में महीने में एक बार आ सकते हैं? आ सकते हैं ना। हाँ जी, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत है? आई देखिए उसको, आप ये क्या है आप बताइए? नहीं ये तो मुझे पता है, पुराना फर्नीचर है यहाँ पे, क्यों है? कुछ राइटिंग में दिया है आपने? आपने प्रिंसिपल्स को दिया? दिखाइए, क्या वार्निंग दी आपने प्रिंसिपल्स को? मैम इसकी फाइल बना के कंडमनेशन के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और जब कब दिए आपने इंस्ट्रक्शंस? ये मैम जब से मैं विजिट कर रहा हूँ जब से दिए मैंने। और फिर भी 4 महीने में कुछ नहीं हुआ? मैम 30 तक हम करवा देंगे इसे, ये मैं श्योर कर रहा हूँ। आपने टॉयलेट के हाल देखे? टॉयलेट्स गंदे हैं, नलके टूटे हुए हैं, वॉश बेसिन गंदे हैं, अभी टूटी से पानी पी रहे थे बच्चे। पीने के पानी का क्या अरेंजमेंट है मैडम? मैडम आरओ तो यहाँ पे लगाया था लेकिन वो खराब हो गया, तो बच्चे उससे पानी पी रहे थे। आरओ की जगह कहीं नहीं है, पहले यहाँ लगा था सर आरओ। पीने का पानी क्यों नहीं है बच्चों? आरओ का मैं वहाँ पे नहीं करवा पा रही हूँ मैडम, टॉयलेट में कनेक्शन है और कहीं पर कनेक्शन नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बच्चों को पीने का पानी अगर नहीं है तो आपने क्या किया उस बारे में? और यहाँ पे स्कूल में कोई बेंच क्यों नहीं है सर? मैम बेंचेस का ये है कि बच्चे ज़्यादा हैं, अगर हम बेंचेस लगाएंगे तो हमारे कमरे जो हैं वो कम पड़ जाएंगे, इसलिए सब बच्चों को आपने ज़मीन पे बिठाया हुआ है। मैम है ही नहीं बेंच पहले, अब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो हम सारी नहीं, पर ये अगर जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी तो आप बच्चों को ऐसे बिठा के रखेंगे? बताइए मुझे। हम डेस्क करते हैं तो रूम कम पड़ जाएगा, तो बच्चे पोर्टा केबिन्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो हम आपकी भेज देंगे। आपकी बिल्डिंग कब बनना शुरू हुई थी? 19 में मैम। और अब कौन सा साल चल रहा है? 23 है मैम। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 4 साल हो गए ना? 4 साल में आपको कभी ये नहीं लगा कि हम पोर्टा कैबिन की व्यवस्था कर दें? आपको ये लगा ये ठीक है कि बच्चों को फर्श पे बैठने दो क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं? मैम उस समय तो मैं भी नहीं था यहाँ, मैं तो 4 महीने से भी जवाब आए 4 महीने से, तो मैम मैं प्रयास में हूँ, मैंने डिपार्टमेंट को लिखा है सभी चीज़ों के लिए। आइए एक बार आप इवनिंग शिफ्ट के प्रिंसिपल को कॉल करिए। हाँ जी मैडम, आपने रिक्वेजिशन डाली थी बेंचेस की? पहले के वार्ड थे सब में कंप्लीट थे डेस्क। हाँ जी, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, अगर मैं बेंच लगवाती हूँ 4-4 की रो भी लगवाती हूँ तो बच्चे पूरे नहीं आ पाते हैं। तो आपने पोर्टा कैबिन की रिक्वेस्ट डाली कि पोर्टा कैबिन बना के दीजिए? मैडम पोर्टा कैबिन तो हमारे पूरे हैं, टीचर्स 16 हैं इस समय मेरे पास, 3 टीचर्स मेरे परमानेंट टीचर्स में से। हाँ जी, ऑन ड्यूटी गए हुए हैं। हाँ जी, तो टीचर्स जो मेरे पास नहीं होंगे तो मैं। हाँ जी, तो आप लोग डिसाइड करिए, टीचर्स का इशू है कि रूम का इशू है? टीचर्स ने बच्चे की संख्या के आधार पे भी ज़्यादा ही, तो फिर पोर्टा कैबिन क्यों नहीं बनवा रहे हैं? और आप कैसे कह रही हैं मैडम कि टीचर्स का इशू है, और सर कैसे कह रहे हैं कि नहीं है इशू? हाँ जी सर बताइए, 2-3 टीचर नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारी क्लास खाली पड़ी है, आप कह रहे हैं कमरे कम है इसलिए हम डेस्क नहीं लगा सकते, कमरे खाली हैं। अभी आपने बोला मुझे, हाँ सर रूम बगल का कमरा खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है कमरा? हमने भी 2 कमरे खाली पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं सामने वाले। देखिए आप मीना जी, देखिए डेस्क नहीं है तो बोलिए डेस्क नहीं है, बोलिए हमारी जो सरकार थी पहले उसने हमें डेस्क नहीं ला के दिए,
आप ये मत कहिए कि कमरों की कमी है इसलिए हम डेस्क नहीं लगा रहे हैं। कमरे आपके छः छः खाली पड़े हैं, कमरे यहाँ पे छः कमरे खाली पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि जी बच्चे ज़्यादा हैं क्लास में इस वजह से हम डेस्क नहीं लगा सकते। कम से कम झूठ तो मत बोलिए, कम से कम ये बोलिए, कम से कम ये बोलिए कि कमियां रही हैं पिछले 5 साल से 10 साल से हम ठीक करेंगे। ये कमरा भी खाली है, ये वाला बताइए। आपने बहाना कुछ और बनाया है। हाँ जी, आप ये स्कूल में पिछली बार कब आए हैं? कितने हो गए अभी तक? 1, 2, 3, 4, 5, 5वां कमरा ये खाली। पांच, रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकेंड, किसी में कभी डेस्कों का कोई इशू? छठा कमरा खाली, 7वां कमरा, आइए। हाँ जी, 8वां कमरा खाली है आपका। ये आप जरा दिखाइए मुझे, आपने क्या अभी तक कॉरेस्पॉन्डेंस करी है स्कूल के इश्यूज को? 25 दिन से कॉपी चेक नहीं है, और जो चेक है वो देखिए, ये देखिए, टीचर ने करेक्शन नहीं किया 23-28 के बाद। पीछे क्या है, ये क्या है, ये कब से टूटे हुए हैं? तो आपने क्या किया उसके बारे में? मैं राकेश को बोला था कि इनको हटा दे यहाँ से। राकेश कौन है? सफाई वाला हमारा। और तो फिर जब उसने नहीं हटाया तो क्या हुआ? आपको नहीं लगता ये अनसेफ है? हाँ जी, और आप सर, आप कह रहे हैं आप 4 दिन पहले आए थे, आपको नहीं लगा ये अनसेफ है? ये 4 दिन में तो हुआ नहीं है। ये क्या है? सांप वगैरह निकल आते हैं बड़े में, सब चूहे, जो बड़े बड़े चूहे हैं ना वो कमरों के पीछे बड़े बड़े। आपने क्या किया इसके बारे में बताइए? आप तो कह रहे हैं आप 4 दिन पहले आए हैं यहाँ पे, मैडम कह रही हैं चूहे आते हैं, सांप आते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, बच्चों को नहीं आते। मैं यहाँ पे आप कैसे ड्यूटी लगाती? किसकी ड्यूटी? अभी अभी तो लंच चल रहा है, अगर सांप क्लास में घुस जाएगा तो आप क्या करेंगी? बाकी मैंने इसको अपने लेवल पे मिट्टी भी करवा दी थी, ईंटें भी डलवा दी थी। 20 साल से बीजेपी का पार्षद होते हुए 17 साल से सत्ता में होने का ये हाल है। ठीक बात है। आपका ऑफिस कहाँ है मैडम? आपके ऑफिस में सब कुछ चलता है? आपका ऑफिस साफ सुथरा है, यहाँ पे डेस्क भी है, यहाँ पे फर्नीचर भी है, यहाँ पे अलमारी भी है, कितना स्पंकी फ्लोर है, फर्श भी बना हुआ है। ये फर्श आप बाकी कमरों में करवा देते? मेरे पास फंड्स नहीं आए। आपने कोई रिक्वेजिशन डाली वहाँ की फ्लोरिंग ठीक कराने के लिए? आप मुझे ये बताइए कि प्रिंसिपल ऑफिस में टाइल लग सकती है लेकिन बच्चों के कमरों में नहीं लग सकती? बच्चे टूटे हुए फर्श पे बैठेंगे लेकिन हम अपने कमरे में बढ़िया सी टाइल लगा के रखेंगे? बच्चे टूटी से पानी पी रहे हैं, बताइए आप भी उसी टूटी से पानी पीती हैं क्या? आपके लिए पानी कहाँ से आता है? आप घर से लेके आती हैं और बच्चों को कहती हैं कि नहीं वो टूटी से बिना आरओ का पानी पीजिए। ये क्या है, आप घर से लेके आती हैं? हाँ जी, आपके टीचर्स के लिए, आपके लिए आप बिसलेरी के पानी का इंतज़ाम करती हैं? हाँ जी, SI साहब कहाँ, उनको बुलाइए। इस स्कूल की आज आप इंस्पेक्शन की पूरी रिपोर्ट बनाएंगे और आप ये मेरे ऑफिस में भेजेंगे। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताएंगे और 15 दिन के अंदर अंदर मुझे इस पे सब पे एक्शन चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन का क्या है मीना जी? स्कूल के कैंपस के अंदर किसी ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं है यहाँ पे। yes, कोई भी वहाँ से कूद के स्कूल के अंदर आ सकता है। इस पर भी आप तुरंत एक्शन करवाइए। अगर इंक्रोचमेंट हटवाना है तो हटवाइए, बार्ब्ड वायर लगवाना है तो लगवाइए, पर यहाँ से आपको कोई सिस्टम बनवाना होगा कि उन घरों से कोई स्कूल के अंदर ना आ सके। और आपके सारे जो 24 स्कूल हैं, कहीं पर भी मुझे ऐसी गंदगी, ऐसा टूटा फूटा स्कूल, बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं, कहीं नहीं दिखना चाहिए मुझे। देखिए आज पहली बार हुआ है या एक सेकेंड, ये आपके एरिया में पहली बार हुआ है? अगर फिर से हुआ, मैं आपके स्कूल में आई, आपके किसी भी स्कूल में आई और वहाँ पे मुझे समस्या मिली, तो फिर हम तुरंत आप पे एक्शन लेंगे, फिर आपकी जिम्मेदारी होगी।